Good morning, students. I, Dr. Anupama Singh from Department of Education, RGPG College, Meerut. Today we are going to study the concept of measurement and evaluation. As we all know that the outcomes of teaching and learning process are measured in the reference of exams and results. So it is very important to understand this concept. Hindi mein is concept ko kehte hain mapan aur mulyankan. Measurement yani mapan aur मूल्यांकन इवैल्यूएशन। तो इसका क्या महत्व है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, एक टीचर को क्यों जानना चाहिए ये हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो किसी चीज़ को मेजर करना, डेली लाइफ में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों को, हर चीज़ को हम मेजर करते हैं, चाहे वो क्लोथ हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे आप दूध और पानी की बात करें, तो उनको आप मेजर करते हैं इंचेस में या यार्ड्स में या किलोमीटर्स में। लेंथ को मेजर किया जाता है, जैसे मिल्क है, पानी है, तो इनको आप वॉल्यूम के रेफरेंस में मेजर करते हैं, और औंस और पाउंड है, वेट के मेजरमेंट हैं, तो ये डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से एजुकेशन के रेफरेंस में हम क्या मेजरमेंट्स करते हैं वो हम आगे देखेंगे। मेजरमेंट जो वर्ड है दैट इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड मेंसुरा, दैट मीन्स द एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग एंड गिविंग इट, असाइनिंग इट अ वैल्यू। तो जब भी हम किसी चीज को एजुकेशन के रेफरेंस में मेजर करते हैं उसको वैल्यू असाइन करते हैं। अभी पिछली स्लाइड में जैसे हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड वेट, तो वो पिक्चर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इसको जब हम यूनिट्स जो स्टैंडर्डाइज हैं जब हम उनको असाइन करते हैं तब वो मेजरमेंट में आता है। मेजरमेंट की जो पहली चीज़ होती है वो ये है कि वो दैट शुड बी क्वांटिटेटिव। जैसे हम क्लास में टेस्ट लेते हैं तो सबसे जो सरल तरीका है हम मार्क्स अलॉट करते हैं, तो जो मार्क्स हैं एक नंबर, दो नंबर, दस नंबर, बीस नंबर, दैट इज ऑल क्वांटिटेटिव और वो स्टैंडर्डाइज है। उसकी वैल्यू जो है वो एक नंबर की या पाँच नंबर की यूनिवर्सल है, तो इसलिए वो स्टैंडर्डाइज है। मेजरमेंट में जो चीज़ हम मेजर कर रहे हैं वो वैल्यू प्रिसाइज और एक्यूरेट होनी चाहिए, इट शुड बी रिलायबल। जो चीज़ मेजर की जा रही है वो वही मेजर कर रही है ये भी होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए इसके नेचर में। इवैल्यूएशन जो है, इवैल्यूएशन क्या करता है, एजुकेशन के रेफरेंस में इवैल्यूएशन जो है वो परफॉर्मेंस को बताता है, और मेजरमेंट में जो हमने वैल्यू असाइन की है उसका इंटरप्रिटेशन और आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा ये तय करता है इवैल्यूएशन। इसी तरह से इवैल्यूएशन जो वर्ड है वो भी लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वैल्यू प्योर और वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, आइडिया और एक्शन। जो चीज़ हमने मेजरमेंट में मेजर की उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, कैसे हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे एसेस कर रहे हैं, फीडबैक लेने के लिए उसका क्या यूज़ कर रहे हैं, लर्निंग आउटकम्स में उसको किस रेफरेंस में यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ इवैल्यूएशन में आती है। अगर डिफिनेशन की बात करें तो इवैल्यूएशन इज द कलेक्शन ऑफ एंड एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी आस्पेक्ट ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एज पार्ट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोसेस ऑफ जजिंग इट्स इफेक्टिवनेस, इट्स एफिशिएंसी एंड एनी अदर आउटकम इट मे हैव। तो इवैल्यूएशन के क्या आउटकम्स होंगे, उनको पहले न्यूमेरिकल वैल्यू से आइडेंटिफाई करना, उसका मीनिंग क्या है, किस बच्चे के ज़्यादा नंबर हैं, किसके कम है, किसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसको अप्रेजल की ज़रूरत है, ये असेसमेंट में आएगा। एनालाइज करना पूरे डाटा को, फिर परफॉर्मेंस असेस करना और इम्प्रूवमेंट के क्या स्कोप्स हैं, उनको किस तरह से सुधारा जा सकता है, किसको सुधार की ज़रूरत है, किसको एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, इनको क्या हमको इस डाटा के साथ करना है। जैसे स्कूल्स में कॉमन प्रैक्टिस है कि रिजल्ट बनाया जाता है कि फला बच्चा फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर तय किया गया। लेकिन इवैल्यूएशन के और भी बहुत सारे आस्पेक्ट होते हैं जो हम आगे बाद में देखेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म भी इसका एक पार्ट होता है, और रिजल्ट्स जो हैं उनको एनालाइज करना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट। नेचर ऑफ इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो ये इवैल्यूएशन जो है वो हमको एक आधार देता है कुछ डिसीजंस को तय करने में, डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करता है कि हमें बच्चों के डाटा के साथ क्या करना है। दूसरी बात है कि इस प्रोसेस में इंफॉर्मेशन जो गैदर हुई है उसका हम फ्यूचर कोर्स में क्या यूज़ कर रहे हैं, ये भी इवैल्यूएशन का पार्ट होता है। अब हम स्कूल के इवैल्यूएशन की बात अगर करें, एज ए टीचर जब जो चीज़ आपको जाननी चाहिए कि इवैल्यूएशन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे करते हैं, तो अगर नॉर्मली मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे इवैल्यूएशन करते हैं,
तो सामान्य जवाब होगा कि टेस्ट लेते हैं, एग्जाम्स लेते हैं, या हमने कोई असाइनमेंट दिया, सेमिनार्स हुए, उनके हमने नंबर दिए। तो इनको इस बेसिस पर, किस प्रकार के एग्जाम में, इनके आधार पे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि नाम बता रहा है। आप देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन होता है जो छोटे छोटे लेवल्स पर पार्ट्स में होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। जैसे आपके सेमिनार्स, क्लास टेस्ट इसका पार्ट होते हैं। कोई बच्चों से आपने प्रेजेंटेशन करवा लिया, इमीडिएट कोई क्विज करा ली, उनसे कोई क्वेश्चन आंसर करा, कोई सेशन चला, उसका रिस्पॉन्स दिया, दैट कम्स अंडर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सेकेंड जो है समेटिव इवैल्यूएशन, जैसा कि नाम बता रहा है, टोटैलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो वर्ष भर का जो आप एनालिसिस करते हैं, जो जितने एग्जाम्स होते हैं उनका टोटल, जो लास्ट में आप एग्जाम लेते हो, असेसमेंट करते हो, दैट कम्स अंडर समेटिव इवैल्यूएशन। और तीसरा जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्कूल सिस्टम स्पेशली, दैट इज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। किसी चीज़ को डायग्नोज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, सपोज कोई टेस्ट हमने कंडक्ट किया, हमें लग रहा है किसी क्लास में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो हमने उसको असेस करने के लिए किया कि बच्चों को कहाँ समस्या आ रही है। आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट किया और बच्चों के नंबर कम आए मैथ्स में सपोज या साइंस में, तो आपको आइडेंटिफाई करना है किस यूनिट में प्रॉब्लम है, कहाँ पर समस्या है, किस चीज़ के साथ समस्या आ रही है, तो दैट कम्स अंडर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की अभी जैसे मैं बात आपको बता रही थी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं उनको कंडक्ट करना, और उसमें हम करते क्या हैं, हेल्प द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड टारगेट द एरियाज दैट नीड टू बी वर्क अपॉन, उन एरियाज पर काम करना, छोटे टेस्ट हमको हेल्प करना। सपोज आपने एक यूनिट के बाद टेस्ट किया, तो कहाँ पर बच्चे को समस्या है उसको हम वहीं के वहीं आइडेंटिफाई कर लें और फिर उसको इम्प्रूव करके फिर आगे करें। तो एक तरह से ये छोटे टेस्ट आपको डायग्नोज करने में भी हेल्प करते हैं, तो दे आर सॉर्ट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट आल्सो। तीसरी चीज जो है, हेल्प द फैकल्टी टू रिकॉग्नाइज वेयर स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग एंड एड्रेस द प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। जैसा कि मैंने आपको कहा, फैकल्टी जो भी करेस्पॉन्डिंग व्यक्ति है उसको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी कि प्रॉब्लम का एरिया कहाँ पर है और क्या किया जाना चाहिए। समेटिव इवैल्यूएशन, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मिड टर्म एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स, पेपर्स, ये सारे समेटिव में आते हैं। और डायग्नोस्टिक, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया आपको अभी, किसी चीज़ को डायग्नोज करना, दे आर अ सॉर्ट ऑफ समहाउ अ सॉर्ट ऑफ फॉर्मेटिव टेस्ट, बस कुछ चीज़ें उसमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, तो इसलिए आपने डायग्नोज करने के लिए समस्या को आपने एक इवैल्यूएशन किया।